नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित नीरज जगदीश शास्त्री आपको बताऊंगा आपका आज के दिन का पूरा हाल, यानी कि आपका दैनिक राशिफल। मित्रों, आज दिनांक 2 मार्च 2024 दिन शनिवार है। सबसे पहले देख लेते हैं आज की जो ग्रह स्थिति है वो हमको क्या बता रही है। मित्रों, आज गुरु मेष राशि में है, केतु कन्या राशि में है, चंद्र वृश्चिक राशि में है, मंगल तथा शुक्र मकर राशि में है, सूर्य बुध व शनि कुंभ राशि में है और राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। एक नज़र डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज नक्षत्र विशाखा है, तिथि कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, करण विष्टि है, योग व्याघात है, सूर्य गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में और चंद्र गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। राहुकाल रहेगा प्रातःकाल 9:42 से 11:10 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 1:02 से 1:26 तक। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी ऐसे शुभ कार्य प्रारंभ किया जा सकता है जिससे हमको लंबे समय तक लाभ लेना हो। दिशाशूल पूर्व की तरफ रहेगा, इसलिए पूर्व की तरफ यात्रा करने से हम लोगों को बचना है। अगर मजबूरी है पूर्व की तरफ यात्रा करनी ही है तो अदरक खाकर लंबी दूरी की यात्रा की जा सकती है। मित्रों, राशिफल प्रारंभ करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि से। आज आप देखेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है उसको लेकर के आपकी परेशानियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं। अगर आपको कोई लंबा चलने वाला रोग है जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या माइग्रेन जैसी कोई समस्या है तो ये आपको आज थोड़ी सी ज़्यादा परेशान कर सकती है। कोई छोटा मोटा सीजनल रोग भी आपको आज ज़्यादा परेशान कर सकता है। आप टूरिंग जॉब में हैं तो कुछ दिन के लिए हो सकता है आपको ना चाहते हुए भी बाहर जाना पड़े। खान पान का ध्यान रखें और अपनी सेहत को अच्छे से बनाए रखें। दुर्घटना की संभावना हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं। आपके जो जीवन साथी हैं उनका परिवार आपसे कुछ इंटरेक्शन कर सकता है जो पॉजिटिव होगा। यू शुड लुक फॉरवर्ड फॉर इट। घर पे वर्क प्लेस पर विवादों से बचने की कोशिश करें, अन्यथा बात का बतंगड़ बन सकता है। तनाव मन पे हावी हो सकता है और नकारात्मक विचार आपको परेशानी में डाल सकते हैं। आज का दिन आपके लिए 50% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग लाल रहेगा। वृषभ राशि, कुछ नए नए लोगों के साथ आपका संपर्क होगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध सुधर रहे हैं, ये अभी और सुधरेंगे और मधुर बनेंगे। भोग विलास में, आनंद प्रमोद में, मौज मस्ती में आज का दिन बीत सकता है। कुछ नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। आप अपने लिए जीवन साथी की तलाश में थे या बिजनेस पार्टनर की तलाश में थे तो आपकी तलाश पूरी हो सकती है। लाइफ में लव और हार्मनी बनी रहेगी, इनकम आपकी बढ़ेगी और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि इनकम के कुछ नए और अच्छे सोर्सेज आपको प्राप्त होंगे। आज का दिन आपके लिए 80% अनुकूल है। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग गुलाबी है। मिथुन राशि, प्लैनेट का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है, अच्छे परिणाम देख के जा सकता है। अब आपके ऊपर है कि आप इस अच्छे ट्रांजिट को किस तरीके से सदुपयोग करते हैं। आपके रिश्तेदार आपको सपोर्ट करेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, कोई रोक था तो उससे आराम मिल जाएगा। आप जो काम हाथ में लेंगे उन सभी सफलता प्राप्त होगी। आपको आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी भय को अपने मन में नहीं आने देना है। आपका कोई झगड़ा था, कोई मुकदमा चल रहा था तो उसमें आपको सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। फैमिली लाइफ आपकी पीसफुल और हारमोनियस बनी रहेगी। आप लोन लेना चाहते थे तो आप पेपर वर्क रेडी करें, आगे आने वाले दिनों में आपको लोन मिल जाएगा। प्रेम संबंधों में मर्यादित व्यवहार बनाए रखेंगे तो आपके संबंध बने रहेंगे। जॉब आप करते हैं तो आपका जॉब फ्रंट काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आज का दिन आपके लिए 75% अनुकूल है। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग आपके लिए है हरा। कर्क राशि, परेशानियां थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई पे मन नहीं लगेगा, मन भटकेगा। आपको चाहिए कि आप हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पर ध्यान दें। कंसंट्रेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी, आप बहुत सारा काम एक साथ ना पकड़ें, एक एक करके अपने काम को पूरा करें, टाइम टेबल बना करके करें तो अच्छा रहेगा। संतान के साथ कुछ रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है तो आप उनके साथ बैठें, बातचीत करें, उनकी समस्याएं सुलझाएं। आज इनफॉर्मल मीटिंग में या फॉर्मल मीटिंग में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़े, आपकी इमेज को धक्का लगाने की कोशिश की जाए। आप कोशिश करें कि आत्मसम्मान को बनाए रखें। आप नई नौकरी की तलाश में थे तो किसी जानकार की मदद से आपको कोई ऑफर मिल सकता है। पेट के रोग हो सकते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखें और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय अच्छा नहीं है,
ये समय आपका किसी भी तरीके के स्पेकुलेशन के लिए ठीक नहीं है। फिलहाल इन्वेस्टमेंट 2-3 दिन तक रोक के रखें। आज का दिन आपके लिए 55% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल आपको बनाना है तो आपको माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग क्रीम है। सिंह राशि, कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं। माता का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है, इस पर ध्यान दें। आप कोई घर खरीदना चाहते थे, कोई वाहन खरीदना चाहते थे या कोई ज़मीन खरीदना चाहते थे तो आप देख लें, पसंद कर लें, लेकिन पैसे का लेन देन ना करें। अभी पैसे का लेन देन करेंगे तो या तो आपको लॉस हो सकता है या आप किसी धोखे का शिकार हो सकते हैं। आप 2-3 दिन का समय मांगें और उस समय में जाँच पड़ताल कर लें। इन्वेस्टमेंट आप कुछ भी करने से अभी बचें, क्योंकि जोखिम की किसी भी कार्य में आपको नुकसान हो सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस बना करके रखें और वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधान रहें। हमारी जो दर्शक महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, उनको भी सलाह दी जाती है कि घर में कार्य करते समय थोड़ा सा सावधान होकर कार्य करें। आज का दिन आपके लिए 50% अनुकूल है और इसको अगर और अनुकूल आपको बनाना है तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग नारंगी है। कन्या राशि, आपके अंदर बहुत साहस रहेगा, पराक्रम बढ़ चढ़ कर रहेगा। आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपके दोस्त, सगे संबंधी, भाई बहन, रिश्तेदार सभी आपको सपोर्ट करेंगे। भाई बहनों के साथ आज आपका बहुत अच्छा बंधन बनेगा, अटूट बंधन रहेगा। जीवन में शांति और सौहार्द बना रहेगा। धैर्य बना करके रखें, सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। सेहत सुधरेगी, संबंधों में भी सुधार आएगा और सांस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम जो है वो आपकी बढ़ सकती है। आज का दिन आपके लिए 70% अनुकूल है। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग हरा है। तुला राशि, कुछ चिंताएं, कुछ परेशानियां आपके साथ लगी रहेंगी। पैसे की प्रॉब्लम विशेष रूप से हो सकती है, विशेष रूप से तब जब आप बिना देखे बिना सोचे समझे कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे या किसी को पैसा उधार दे देंगे, स्पेशली ऐसे व्यक्ति को जिसकी पृष्ठभूमि संदिग्ध हो। दोस्तों की सुने, परिवार की सुने, आपको लॉस नहीं होगा। वर्क प्लेस पर आपकी हो सकता है आज उतनी अच्छी ट्यूनिंग ना बने तो किसी के साथ विवाद में उलझने की जरूरत नहीं है। ENT के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी पर संयम रखें, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई अभद्र बात ना करें। आज आपको गले का छोटा मोटा रोग हो सकता है, सर्दी खांसी लग सकती है। प्रेमी जन जो हैं उनको भी सलाह दी जाती है कि आज का दिन किसी विशेष कार्य के लिए ठीक नहीं है। आप अगर मन की बात बोलनी है तो 1-2 दिन का वेट कर लें। सोशल लाइफ आपकी थोड़ी सी डल रह सकती है, ये 1-2 दिन का फेज है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। आज का दिन आपके लिए 60% अनुकूल है। उसको और अनुकूल आपको बनाना है तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग मैजेंटा है। वृश्चिक राशि, परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। आपका बहुत सारा समय किसी ऐसे कार्य पर खर्च हो सकता है जो आप बहुत दिन से करना चाह रहे थे लेकिन समय नहीं मिल रहा था। आप अपने स्वयं के ऊपर, जैसे पुरुष हैं तो आप जिम का कोई नया रूटीन ले सकते हैं, महिलाएं हैं तो ब्यूटी पार्लर जा सकती हैं, या आप परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, ऑफिस के लोगों के साथ कहीं आउटिंग पे जा सकते हैं। फंड का इनफ्लो ठीक ठाक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका स्वभाव अच्छा होगा, आपको कोई छोटा मोटा रोग था तो उससे आराम मिल जाएगा। अब प्रत्येक कार्य में बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, उस मेहनत के सकारात्मक संकेत अभी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और मानसिक शांति का भी एहसास होगा। आज का दिन आपके लिए 85% अनुकूल है। शुभ अंक 9 है आपके लिए और शुभ रंग आपके लिए है गेरुआ। धनुराशि, आज आप देखेंगे कि आप बिना किसी वजह के किसी चिंता या तनाव में पड़ जाएंगे। एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ने के साथ साथ आपकी चिंताएं भी बढ़ जाएंगी। आपको कोशिश करना है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तनावपूर्ण स्थितियों से दूरी बना करके रखने की कोशिश करें। ये टेम्परेरी फेज है। आपके एनिमीज, अपोनेंट्स आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, उन पर नज़र रखें। सर दर्द हो सकता है, आपको आँखों में कुछ परेशानी हो सकती है, ये परेशानी बढ़ जाए तो डॉक्टर को दिखाना है। अगर कई दिन से आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है तो आपका स्वभाव और आपका स्वास्थ्य दोनों पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ बिना बात के ना उलझें, विवाद हो सकता है, उसकी वजह से आपको मानसिक संताप मिल सकता है। कोशिश करें कि विवाद वाली स्थितियों से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करें। आज का दिन आपके लिए 55% अनुकूल है। इसको और अनुकूल आपको बनाना है तो आपको मंदिर में पीले फलों का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। मकर राशि, आपकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ने के साथ साथ आप देखेंगे इनकम के कुछ नए सोर्सेज आपको मिल रहे हैं और साथ के साथ जो आपकी वेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो रही है। आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में, बहुत दिन से आपने अपना पोर्टफोलियो नहीं देखा था, आज देखिए आपका पोर्टफोलियो बढ़ा रहेगा।
इसके अलावा आपने कहीं ज़मीन खरीदी हुई थी, कोई फ्लैट लिया हुआ था, उसका भी वैल्यू का अप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। आपको बहुत सारे सोर्सेज से लाभ होगा, आपके दोस्त, सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन, सबॉर्डिनेट, सीनियर्स, सभी आपकी आज मदद करेंगे। बिजनेस में भी प्रोग्रेस के बहुत सारे चांसेस आपको मिलेंगे। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा, आपके विचारों में भी स्थिरता आएगी और आप जो परेशानियाँ आपकी चल रही थी वो दूर हो जाएंगी। आप अपनी परिस्थितियों को पहले से बेहतर समझेंगे, डिसीजन मेकिंग आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। आज का दिन आपके लिए 90% अनुकूल है। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग काला है। कुंभ राशि, कामकाज में, बिजनेस में, जॉब में प्रोग्रेस से बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, प्रमोशन मिल सकता है, हायर पोजीशन मिल सकती है। जो आपके हायर अप्स हैं, अथॉरिटीज हैं, वो आपके काम से खुश होंगे, आपकी प्रशंसा होगी, आपका किसी मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है या आपको आपके जो काम का दायरा है वो बढ़ाया जा सकता है, आपको नेम एंड फेम मिलेगा, लीडरशिप क्वालिटीज आपकी इम्प्रूव होंगी। अगर आप बहुत दिन से कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे थे तो आप शुरू कर दें, अभी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आज का दिन आपके लिए 80% अनुकूल है। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग काला है। मीन राशि, कामकाज, बिजनेस, जॉब थोड़ा स्लो होगा, मेहनत बहुत करेंगे लेकिन परिणाम या तो आपको देर से मिलेंगे या कम मिलेंगे। भाग्य साथ नहीं देगा, परिश्रम करते रहें, भले ही परिश्रम के उसी रेशियो में सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो, फिर भी आपको परिश्रम से जी नहीं चुराना है। धर्म कर्म में, तीर्थ यात्रा में ईश्वर भक्ति मन लगाएं, लाभ होगा। गुरु से मुलाकात करें, उनसे अपनी समस्याओं पर चर्चा करें। पिता के साथ या उच्च अधिकारी के साथ कुछ तनाव वाली स्थितियां बन सकती हैं, इसको टालने की कोशिश करें। पिता का ही स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय भी बन सकता है, इस पर आपको ध्यान देना है। बॉडी में वीकनेस फील हो सकती है, अच्छा खाएं पिएं, आराम करें, शरीर को कष्ट देने वाला कोई भी कार्य करने से आपको बचना है। दान पुण्य आज आप जितना करेंगे आपको उतना ही लाभ होगा। आज का दिन आपके लिए 65% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो आपको 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए बसंती है। मित्रों, ये था हमारा आज का राशिफल कार्यक्रम सभी 12 राशियों के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और इससे लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय माँ जगदम्बा।